गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार बात कर रहा हूँ डॉक्टर राधा कृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज और एग्जामिनेशन सेल से। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी और जो भी अपकमिंग आपके एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन कि जो भी स्टूडेंट हैं जो अभी 6 या 8 सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आ चुके हैं और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 मई 2022। तो आप उससे पहले जिनका भी मेन का हो या ऐसे स्टूडेंट जिनकी बैक हो 6 और 8 सेमेस्टर में, तो आप अपना बैक को चेक कर लें। अगर जिसको अपने बैक के बारे में पता नहीं है तो वो कॉलेज से अपना मार्कशीट वगैरह कलेक्ट करें, प्रॉपर अपना जानकारी रखें कि हमको किस सब्जेक्ट में बैक का पेपर भरना है, और आप कॉलेज आके अपना जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको आप लोग फॉर्म को फिलअप करें और आप सही टाइम पे आके अपने फॉर्म को फिलअप करें। बहुत बार ये होता है कि जब डेट निकल जाती है उसके बाद हम लोग कॉलेज में आके और फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं या जो, तो उसका ये होता है कि अगर हम बाद में अपन आते हैं तो उससे क्या होता है कि जो अभी अगर आप टाइम पे फॉर्म फिलअप करते हो तो सिंगल में फॉर्म फिलअप हो जाता है, अगर टाइम के बाद आते हो तो वो आरटीओ की तरफ से डबल और ट्रिपल या 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो आप सही टाइम पे आके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करने का कोशिश करें। ध्यान रखें 14 मई 2022 आपके 6 और 8 सेमेस्टर के कोई भी स्टूडेंट, वो मेन का हो, बैक का हो या रीबैक का हो, ठीक है, वो अपना यहाँ पे आके एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करें। उससे पहले जो बैक स्टूडेंट हैं वो श्योर कर ले कि उनका बैक किस सब्जेक्ट में। बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि मेरा बैक किस सब्जेक्ट में, और इसकी वजह से वो क्या होता है कि हमेशा गलत फॉर्म भर के चले जाते हैं, ठीक है। बाद में पता चलता है कि मैं तो इस सब्जेक्ट में पास था, जिस सब्जेक्ट में मैंने फॉर्म भर रखा है, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं बैक उनका 3 सब्जेक्ट में है, उनको पता नहीं होता और 2 ही सब्जेक्ट में भर के चले जाते हैं, और जिसका खमियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ता है। तो अपना प्रॉपर जानकारी रखें, अपना प्रॉपर अपना इन्फॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करें, उसके बाद अपना कॉलेज आके और अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका फॉर्म भरें। जो मेन के स्टूडेंट हैं वो भी आप सही टाइम पे आपकी 14 तारीख से पहले ही आप कोशिश करें कि आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है। और इससे पहले जो भी आपका रिस्पेक्टिव कोई प्रॉब्लम हो तो आप एग्जामिनेशन सेल में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि आप अपना सही टाइम पे अपने फॉर्म को भरें और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे रहें। अगर स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने कॉलेज में अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से आप कॉन्टेक्ट करें, ठीक है, और अपने जो कोई भी समस्या है आपकी उसको आप लोग सॉल्व करें। थैंक यू।